माध्यिका। जब प्रेक्षणों के मान एक दूसरे से बहुत अंतर पर होते हैं, तब माध्य से हम सभी कई अर्थपूर्ण निष्कर्ष नहीं निकाल पाते। यहाँ हम एक नए संख्यात्मक प्रतिनिधि का उपयोग करेंगे, जिसे माध्यिका कहते हैं। माध्यिका वह आंकड़ा है जो व्यवस्थित प्रेक्षणों में आए मानों के ठीक बीच में होता है। आइए एक उदाहरण से माध्यिका को समझते हैं और फिर उसकी उपयोगिता देखेंगे। उदाहरण 5 के वेतन आंकड़ों को देखिए। 1400, 1500, 8400, 8700, 9000, 9200, 9400। इन आंकड़ों की माध्यिका क्या है? आंकड़ों में कुल 7 पद हैं, जिसमें से चौथा पद मध्य पद है, इसलिए इन आंकड़ों की माध्यिका 8700 है। आंकड़ों के प्रेक्षणों का मध्य पद ही हमें माध्यिका देता है। कई बार माध्यिका आंकड़ों का बेहतर प्रतिनिधित्व कर सकती है, क्योंकि माध्यिका पर बहुत बड़े एवं बहुत छोटे प्रेक्षणों का असर नहीं पड़ता। करके देखें, निम्नलिखित आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात कीजिए। पहला 25, 21, 23, 18, 20, 23, 24। दूसरा 113, 102, 95, 85, 110, 109, 106, 110, 115। आइए माध्यिका के कुछ और महत्वपूर्ण उपयोग समझते हैं। उदाहरण 6, किसी दफ्तर में 10 पदों पर नियुक्ति के लिए 21 व्यक्तियों ने इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू में उन्हें कुल 50 अंकों में से निम्नलिखित अंक प्राप्त हुए। 25, 23, 45, 40, 42, 38, 32, 43, 47, 36, 28, 37, 35, 34, 42, 21, 27, 18, 39, 41, 40। इनमें से 10 व्यक्तियों को नौकरी के लिए चुना जाना है। इसके लिए क्या किया जाए? हम जानते हैं कि 21 में से सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले 10 व्यक्तियों को चुना जाएगा। इस प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए आंकड़ों को बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जा सकता है, जो इस प्रकार होगा। 18, 21, 23, 25, 27, 28, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 40, 41, 42, 42, 43, 45, 47। इन आंकड़ों में माध्यिका 11वां पद यानी 37 है, जो कि शुरू के 10 व्यक्ति तथा आखिरी के 10 व्यक्तियों के बीच में है। अतः नौकरी के लिए 37 से अधिक अंकों वाले व्यक्तियों को चुनाव किया जाएगा। यहाँ 37 आंकड़ों की माध्यिका है, अर्थात यदि प्रेक्षणों की कुल संख्या n हो तो प्रेक्षणों का n धन 1/2वां पद ही माध्यिका होगा। आप देख सकते हैं कि उदाहरण 4 और उदाहरण 5 में कुल प्रेक्षणों की संख्या विषम संख्या है। उपरोक्त तरीके से कुल प्रेक्षणों की संख्या विषम होने पर माध्यिका आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, परंतु यदि प्रेक्षणों की कुल संख्या सम हो तो माध्यिका को कैसे पता करेंगे? इसे समझने के लिए एक उदाहरण देखते हैं।